हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे फुल मून एनर्जी गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। बर्थ मंथ, आपकी बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं और जो कार्ड दिया गया है इंट्यूटिवली आप पाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आई डी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर वन, आपकी बर्थ मंथ है फेब्रुअरी, मई, अगस्त, नवंबर एंड बियर कार्ड है। दिस इज योर ऑप्शन कार्ड, बियर, पोलर बियर 15। एंड ग्रुप नंबर टू, बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, शिप नंबर थ्री, शिप, ओके, फ्लाइंग शिप, ओके। ग्रुप नंबर थ्री, डॉग 18, बर्थ मंथ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, ओके। सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर वन, देखते हैं फुल मून एनर्जी गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। फेब्रुअरी, मई, अगस्त, नवंबर, ओके। 23 अप्रैल को होने जा रही है 2024, स्कॉर्पियो राशि में हो रही है। बाय द वे, मई से स्कॉर्पियो एक्टिवेशन पीरियड यू ही स्टार्ट होगी एंड फुल मून भी यहाँ पर स्कॉर्पियो में हो रही है। सो आपने चूज़ की है बियर, मतलब मई के बाद से आप अपनी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली अकॉर्डिंग देखिए स्कॉर्पियो राशि कहाँ बन रही है। उस जगह पर बहुत बड़ी कोई चेंजेस, यहाँ पर बदलाव आएंगे। कौन सी प्लैनेट उस जगह पर बैठा हुआ है। बियर प्रोटेक्शन की बात कहते हैं। बियर यहाँ पर कोई ट्रेडिशनल एनर्जी है, कोई ग्रैंडपा, ग्रैंड पेरेंट्स, एंसिस्टर जुड़ी होती है। इवन कुछ सैक्रेड रिचुअल्स भी हम बियर कार्ड में देखते हैं, बट जो ओवरऑल एनर्जी है वो है प्रोटेक्शन का। कोई जैसे पीछे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे आपके लिए। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं क्या थीम आ रही है। 23 अप्रैल को होने जा रही स्कॉर्पियो राशि में, राइट, जो काल पुरुष की कुंडली में बर्थ, डेथ एंड रिबर्थ का है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या थीम आ रही ग्रुप नंबर वन फुल मून का। थैंक यू सो मच। कुछ व्यूअर्स शायद पेट एडप्ट करेंगे या फिर स्ट्रे डॉग को आप खाना खिला रही है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे ग्रुप नंबर वन। देखते हैं थीम क्या है। ओके थीम, ओके लेट्स सी, थैंक यू। ओके, आई थिंक आपके लिए मंथ कार्ड बहुत आई है, मतलब फुल मून की जो एनर्जी है ये कुछ मंथ को भी यहाँ पर कनेक्ट कर रही है। ग्रुप नंबर वन फुल मून एनर्जी एंड थीम ग्रुप नंबर वन के लिए, थैंक यू। वन मोर स्पिरिट, ओके, वन मोर, देखते हैं और क्या थीम आ रही है। रून सिंबल से देखते हैं ग्रुप नंबर वन थीम, देन एक टैरो स्प्रेड देखेंगे, फुल मून टैरो स्प्रेड, ओके। ग्रुप नंबर वन 23 अप्रैल, एंड लुक एट द स्कॉर्पियो तीवाज, ओके। स्कॉर्पियो एनर्जी लगता है आपकी कुंडली में वह काफ़ी स्ट्रांग पोजिशन में है या फिर बहुत सारे प्लैनेट हैं। देखते हैं पहले ओरेकल थीम्स देख लेते हैं, क्या डायरेक्ट आपकी यहाँ पर मैसेज आई है फुल मून रिगार्डिंग। ओके, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। एक जैसे वार्निंग नहीं बट आपको बोला जा रहा है और एफर्ट्स डालो अगर वो चीज़ तुम्हें चाहिए तो। बूट की एनर्जी आ रही, तो जैसे आप रगड़ रही हो, हम कहते हैं ना कि सैटर्न जब भी हावी होते आपको रगड़ना पड़ता है, तो और एफर्ट्स लगाने के लिए बोला जा रही है। लव स्टार की एनर्जी आ रही है, मुझे इस कार्ड को देखकर अचानक से एक मैसेज चैनल है ग्रुप नंबर वन। वैसे ये फाइनेंशियल एक एनर्जी है, फाइनेंस का एनर्जी है कि आपको थोड़ी सोच समझ कर खर्चे करने के लिए बोला जा रहा है। ओवरऑल फाइनेंस ठीक है। लव स्टार से मुझे थोड़ी वाइब से आपकी फूड, जो आप खाना खा रही है उस जगह पर आपको थोड़ी सतर्क होना है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है बिकॉज मार्स राहु कंजंक्शन होने जा रही है। दिस इज़ वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, ओके। सो पर्सनल स्ट्रेंथ आप गेन कर रही है, साथ में पीस एंड हारमोनी रिस्टोर होने जा रही है। बहुत बहुत आराम की एनर्जी है ना, जैसे आराम मिल रही है, ठंडक मिल रही है किसी चीज़ में, किसी फील्ड में। ओके, यहाँ पर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, वो है अक्टूबर। देखिए फुल मून पीरियड में ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई न्यूज़ जो हो सकता है अक्टूबर तक वो कनेक्ट करे, ओके। दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल, आप इस टाइम पर में कोई एग्ज़ाम दे रही है, वो रिजल्ट अक्टूबर में निकलेगा, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। नॉट की एनर्जी आ रही है एंड मंथ फेब्रुअरी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड विद दिस स्टॉक।
न्यूज़ ऑफ ए बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मुझे एक चीज़ के भाव सारे माय डियर, आपकी जो करंट, क्योंकि बूट के नीचे नॉट कार्ड आई हुई है, जो काम आप कर रही है उस जगह पर नॉट बन रही है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से काम नहीं बन रही है, बट यहाँ पर वैली आई हुई है, स्टॉक आई है, तो कुछ और वे आउट निकल कर आ रही है, सो दैट आपको आराम मिले, एक ठंडक सा महसूस, एक ठंडा हवा का झोंका जिसको हम कहते रहे। लेट्स सी, आपके लिए रून सिंबल आई है पार्थ्रो। तो जो होती है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की बात बोला जाता है, जो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो, जैसे एक बहुत शहर का कोई लड़का जो सुबह उठकर कोई पार्क में जाकर मेडिटेशन कर रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा है जो पहले वो नहीं करता था। सो इस टाइप की एक डेवलपमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है पार्थ्रो। वैसे स्पिरिट के साथ, डिवाइन के साथ एक कनेक्शन की बात बोला जाता है, जो इंट्यूटिव हो गया, मतलब टेलीपैथिक हो गया, जैसे आप डिवाइन को कॉल करें किसी चीज़ के लिए, आपको 24 आवर्स में कुछ ना कुछ मैसेज मिल रही है, ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होती है पार्थ्रो में। कुंडलिनी अवाकनिंग की एनर्जी, देखिए यहाँ पर एक चाबी दिखाई दे रही है, आई थिंक कैमरा फोकस करें, यहाँ पर एक की दिखाई दे रही है। सो जो यहाँ पर नॉट, एक नॉट बन चुकी लॉक है, उसकी चाबी है यहाँ पर, बट थोड़ी जैसे प्लॉट ट्विस्ट है, मतलब आपको सीधे तरीके से वो चाबी मिल नहीं रहा है, स्प्रिट आपको थोड़ी घुमा रही है, बट अल्टीमेटली यू विल गेट इट, राइट। देखते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ी देखूँगी स्प्रेड, ओके, थोड़ी मैं साइड पर, 7 कार्ड स्प्रेड होंगे, फुल मून 7 कार्ड स्प्रेड, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। बाय द वे दिस मून इज कॉल्ड पिंक मून, पिंक फुल मून, ग्रुप नंबर 1, फुल मून 23rd April 2024, 7 कार्ड स्प्रेड, देखते हैं। वन टाइम मून, मुझे आपके लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट। लेट्स सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज़ अ फुल मून स्प्रेड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, ओके। आपकी स्प्रेड देखते हैं फुल मून की, ओके। आपको क्या रिलीज़ करना है, राइट। नंबर 1 पे जो एनर्जी आ रही है वो है आपका लैक का मेंटेलिटी, विक्टिम मेंटेलिटी, ना होने का हमेशा ही वो एहसास होना, और हमेशा ही क्या नहीं है उसके ऊपर देखना, इसको आपको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है फुल मून एनर्जी में, कि यही वो चीज़ है जो मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस बनी हुई है। दूसरों को देख रहे हो कि दूसरे के घर भरी हुई है, तुम्हारी घर खाली है, तो ये जो हमेशा ही कंपैरिजन होती है जिसकी वजह से तुम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हो, सब कुछ ब्लॉक हो रही है, ओके। लेट्स सी नंबर 2 पे देखते हैं, क्या वो चीज़ है जो आपकी बहुत क्लोज होना चाहिए, वो है 10 ऑफ वाटर, 10 ऑफ कप्स, आपकी फैमिली, जो आपकी, आपको जो सपोर्ट करते हैं, वो फ्रेंड हो सकते हैं, जो आपको यहाँ पर जो रिटेनिंग की जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ कप्स, फैमिली, सुकून, जो आपको राहत देते हैं, जो व्यक्ति आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। 10 ऑफ कप्स ये रिटेनिंग एनर्जी में आई है, इसका मतलब आपको यू शुड बी होल्डिंग क्लोज टू यू, थिंग्स यू शुड बी होल्डिंग क्लोज टू यू, ये घर हो सकती है, घर डेकोरेशन हो सकती है, इंटीरियर डिज़ाइनर आपने लगाया है, उसने घर को कुछ डेकोरेट वगैरह कर रही है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखने को मिल सकती है। बट कहा जा रही है जो लोग तुम्हें परवाह करते हैं, जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं, उनकी परवाह तुम ज़रूर करो, ओके, उनकी तुम सुनो, ओके। लेट्स सी, देखते हैं क्या आप रिसीव करना जा रहे हो। ओह माय गॉड, दिस इज़ एम्परर, राइट। सो एम्परर प्रतिष्ठा है, एम्परर आपके काम के लिए अप्रिशिएशन भी हो सकती है, एल्डर बड़ों का आशीर्वाद भी हो सकती है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, राइट। एल्डर एम्परर एनर्जी है, आपकी सामर्थ, आपके पुरुषार्थ की बात हो रही है, कुछ हो सकती है, ये मेनली जो एनर्जी है रिसीव करी है, आप ये कार्ड आप रिसीव कर रहे हो, मतलब एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हो, दिस इज़ द एम्परर कार्ड, एरीज एनर्जी। सो आई डोंट नो, ये यहाँ पर मुझे थोड़ी जस्टिस की एनर्जी, जैसे आप जस्टिस रिसीव कर रही हो, जो आप डिजर्व करते हो वो आप रिजर्व, मतलब वो आप रिसीव कर रहे हो। नंबर 4 आई है ना, तो इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, तो आप स्टेबिलिटी एंकर एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो विद दिस फुल मून, इसीलिए मैं आपकी थीम कार्ड में बोली कि आराम है, बहुत ज़्यादा ठंडक मिल रही है, राइट। सो नंबर 4 की एनर्जी देखते हैं, नंबर 4 सराउंडिंग एनर्जी, ओके, क्या सराउंडिंग की एनर्जी है, ओके, माय गुडनेस, एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है,
देखिए क्या वो चीज़ है जो अफेक्ट कर सकता है सराउंडिंग एनर्जी में, वो है एम्प्रेस एनर्जी। आपकी मदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, एल्डर सिस्टर हो सकता है, कोई गाइड जो फीमेल गाइड वगैरह हो सकती है, मेंटर हो सकती है, खासकर कोई बच्चे जस्ट न्यू बॉर्न बेबी उसका जन्म आप उनको देखने गई हो, कुछ अजीब सा एहसास होना। मतलब यहाँ पर जो सराउंडिंग की एनर्जी है वो बर्थ कंसेप्शन की बात बोलो, बिकॉज इस एम्प्रेस रिसोर्सेस की एनर्जी आ रही है। बट आई डोंट नो एम्परर एंड एम्प्रेस 3 और 4 का एनर्जी यहाँ पर डायगोनली कनेक्ट हो गया। सो आपकी एनर्जी, आप रिसेप्टिव मोड में हैं, जैसे घर में किसी का खुशखबरी हो, यू नो प्रेगनेंसी रिगार्डिंग, बिकॉज सराउंडिंग की एनर्जी है, आपके लिए नहीं है, सराउंडिंग का एनर्जी, खानदान का किसी का हो गया, सिस्टर का हो गया, कुछ इस टाइप की कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर वो मिलने आ रही है अपने बच्चे को लेकर। तो वो ये चीज़ें आपकी न्यू मून में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ओके बट मुझे थोड़ी भाव से आपकी सराउंडिंग जब एम्प्रेस एनर्जी है तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वेनस एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो गया, आप इस टाइप की चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट भी कर रही हो, मतलब खर्चा वगैरह कर रही हो, आप खरीद रही हो इस टाइप की चीज़ें। ओके लेट्स सी नंबर 5, देखते हैं आपको क्या देना है लोगों को। ओ माय गॉड, दिस इज 10 ऑफ पेंटेकल्स, क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 1, क्या देना है आपको लोगों को। देखिए 10 ऑफ पाथ जो होते हैं अगेन फैमिली कार्ड है, देखिए सभी इन्जॉय कर रही है, यहाँ पर कुछ फोर्स की एनर्जी आ रही है, मतलब एक इन्जॉय करना, मतलब आपको जो मिल रही है वो रिसोर्सेज फैमिली मेम्बर्स के साथ, चाहते पर्सन के साथ वो आप शेयर भी करो। आपको अगर 10 रुपये भी मिल रही है तो 1-2 रुपये भी आप शेयर करो। यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी में यहाँ पर मनी आ रही है, रिसोर्सेज आ रही है, व्हाटएवर यू हैव एक्सेस वो आप शेयर करो। 10 ऑफ पार्ट जब भी आते हैं मतलब आपके पास कोई आकर दुख कुछ वो बोल रहे अपनी अपने जीवन को लेकर, आप उनको उनकी एनर्जी को ग्राउंड करो, उनको तसल्ली दो, वो कंसोलेशन अब दो, आप वो कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर सराउंडिंग में इम्प्रेस एनर्जी है। ओके लेट्स सी, देखते हैं नंबर 6, क्या बिगिनिंग हो रही है, मतलब यहाँ पर समथिंग न्यू दैट विल बिगिन सून। ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में तो रॉकेट है माय डियर, जो बहुत जल्दी यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। 3 ऑफ 5, 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन और कोई हाई बोल रहा है ना, एक जैसे कोई मंगल ग्रह पे पहुँच गया है, वो झंडा गाड़ दिया है, तो आप जस्ट अबाउट टू रीच, मतलब ये नियर फ्यूचर का एनर्जी आ रही है, जैसे आप पहुँचने ही वाले हो अपने डिज़ायर उस प्लानट के ऊपर, बैठने ही वाले हो। सो दिस इज़ द फ्लैग, राइट, फ्लैग आने का मतलब है झंडा लहराना, कोई काम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देना, 3 ऑफ फायर, और कोई आपके साथ कनेक्ट करे लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर एक ट्रैवल मैनिफेस्ट हो रही है नंबर 6 के एनर्जी में, ट्रैवल मैनिफेस्ट होना कुछ व्यूअर्स के लिए। नाउ द नंबर 7, व्हाट इज योर लेसन विद दिस फुल मून। ओके वेलोसिटी ऑफ फायर, आपके लिए जो मेन एनर्जी है माय डियर वो है स्थिरता, एंड स्थिरता के साथ प्रोकेस्टिनेशन को रिलीज़ करो। एक फुल मून आपको क्या बताना चाहते हैं, पिंक फुल मून आपको बोलना चाहते हैं कि एक जगह पर बैठकर काम करें, थोड़ी अपनी प्लेस को चेंज करो, थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक जगह पर बैठ जाते हैं आपका सैटर्न हावी हो जाता है, आपको बोला जा रहा है कि मंगल, देखिए मंगल ग्रह ही यहाँ पर आई है, सो आपको कहा जा रहा है मंगल की ऊर्जा को यहाँ पर दो। कैसे करोगे, यहाँ पर थोड़ी यू नो वर्कआउट वगैरह, जिम वगैरह ज्वाइन करना, इससे मंगल की एनर्जी, मंगल को एनर्जी मिलेगी, सैटर्न की एनर्जी दबेगा। आपकी एनर्जी में सैटर्न एनर्जी होने की वजह से करेंगे चलो करते हैं, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी है, लेजी स्लीपी टाइप एनर्जी है, इसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रही है। एक ट्रैवल भी मैनिफेस्ट हो रही है, मैं अगेन बता रही हूँ, बट द मेन लेसन फॉर यू, कोई एब्रप डिसीजन नहीं, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स में एब्रप डिसीजन होते हैं। आपको बोला जा रहा है एक फायर, एक चिंगारी जो घर को जला भी सकता है, वो रंधन में भी इस्तेमाल होती है, तो इस चिंगारी को तुम क्रिएटिव वॉक में इस्तेमाल करो। कोई गुस्सा नहीं, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है, इस टाइप की एक मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रही है। ओके लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस। देखिए आपका मास्टर कार्ड 9 ऑफ कप्स है, सो कोई विश फुलफिलमेंट ही मेन, एंड 10-10 पोर्टल भी आया हुआ है। एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी है, अगेन एक कपल एनर्जी में है, बहुत बैलेंस्ड है, इन एंड यंग वाला एनर्जी है। देखते हैं आपके लिए मून का क्या गाइडेंस है। ओके फुल मून ग्रुप नंबर 1, क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, यहाँ पर एरीज की एनर्जी, अगेन मंगल की एनर्जी बहुत आ रही है। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, यहाँ पर जो भी आप बताना चाहते हैं उसको क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करें। ओके लेट्स सी, आप देखेंगे कुछ लोग गाली भी देते हैं बड़ी प्यार से, वो भी एक आर्ट है, मैं वो नहीं बता रही हूँ, बट वॉक थ्रू योर फीलिंग्स का मतलब जो भी कुछ बोलना है वो बहुत क्रिएटिव वे में बोलो, यू नो
आप कुछ लिख रही है, आप कुछ लिस्ट बना रही है, आपके हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर ग्रुप नंबर वन। एंड स्कॉर्पियो है ही मंगल का एनर्जी, स्टेप अप एंड लीड, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न में ही तो आपको बोल रहे थे कि आगे बढ़ो, बिकॉज बियर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो मत, लीड करो पूरी टीम को, यू कैन डू दिस। एंड बॉटम ऑफ द डेक प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली बेसिस में, जो भी आपके पास है उस ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करें। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर टू, देखते हैं फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। फुल मून 23 अप्रैल को होने जा रही है स्कॉर्पियो राशि में, ओके, जो कालपुरुष की कुंडली में ये डेथ बर्थ एंड रिबर्थ का एक साइकिल की हाउस है, डेथ हाउस है मेनली हम जो जानते हैं, बट इसे रिबर्थ हाउस ऑल्सो, 8th हाउस से ही रिजरेक्शन होते हैं, फिनिक्स राइजिंग होती है। एंड मई से 2024 की मई से स्कॉर्पियो एक्टिवेशन भी है, गुरु टॉरस में आ जाएंगे, ऑलरेडी सैटर्न राहु का एस्पेक्ट स्कॉर्पियो साइन पे बनी हुई है, एंड गुरु आते ही ये स्कॉर्पियो एक्टिवेशन स्टार्ट होगी। आप देखिए आपकी लग्न कुंडली हो चंद्र कुंडली से कौन सी हाउस में स्कॉर्पियो बैठा है, मतलब स्कॉर्पियो साइन पड़ रही है, एंड कौन सी वो प्लैनेट है जहाँ पर स्कॉर्पियो में वो प्लैनेट है, तो उस जगह पर बहुत कुछ चेंजेस यहाँ पर आएंगे। ओके, लेट्स सी, आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ओके। एंड आपने कार्ड चूज़ किए सीप, सीप कार्ड से जैसे बहुत जैसे पीछे बैकग्राउंड में कुछ पर्वत वगैरह दिखाई दे रही, हील एरिया दिखाई दे रही, कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, ठीक है। एंड नंबर 3 भी जुपिटर का ही नंबर है, देखते हैं क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। फुल मून देन मैं यहाँ पर टैरो स्प्रेड करूँगी फुल मून की, देखते हैं थीम क्या है ग्रुप नंबर 2, फुल मून 23 अप्रैल क्या थीम है ग्रुप नंबर 2। ऑटम सीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, जो फुल मून की टाइम फ्रेम में जो इंसिडेंट होगी, जो वो कनेक्टेड है मंथ अक्टूबर, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ओके। ओह माय गॉडनेस, सारी कार्ड नीचे गिर रही है, ओके, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक, एंड रेनबो भी है, ओके, देखते हैं। दो कार्ड नीचे गिरी है, मैं देखती हूँ फुल मून। ओह माय गॉडनेस, ग्रुप नंबर 2 कुछ चीज़ें छूट रही हैं, आपको पकड़ लेनी चाहिए ग्रुप नंबर 2, राइट। सो दिस इज़ वेरी क्रूशियल मोमेंट, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। देखते हैं थोड़ी रूम सिंबल से ग्रुप नंबर 2, कुछ चीज़ें हैं क्विक है, बहुत मतलब बहुत जल्दी में है कुछ चीज़ें, राइट। टेबल में कुछ कार्ड नहीं, मतलब 4 से 5 कार्ड आपके नीचे गिरी है, ओके, ग्रुप नंबर 2 फुल मून क्या चेंजेस आ रही है, ओके, नंबर 2 फुल मून हॉर्स अश्वनी, लेट्स सी, ओके, ये 3 कार्ड नीचे गिरी थी, पहले देख लेते हैं आपका थीम क्या है। देखिए यहाँ पर तीवाज आई है, ओके, तीवाज जो है हॉर्स पावर को सिंबलाइज, एक टीम वर्क, टीम का कोई लीडर जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है। सो हॉर्स से हम फ्रीडम देखते हैं, पावर देखते हैं, स्पीड को देखते हैं, इसलिए बताई अश्वनी, क्योंकि वो हॉर्स हेड से वो सिंबलाइज होते हैं। बट दिस इज़ एक्चुअली अश्वनी इज़ हीलर, इज़ अ डॉक्टर, इज़ अ टीचर, इज़ अ गुरु, मेंटर, बट मेनली हम हॉर्स पावर से कोई टीम का लीडर बने। आप कोई काम करिए उसमें काम बहुत फास्ट, मतलब आपने कुछ स्टार्ट की है, इसीलिए मैं बताई कि कार्ड नीचे जा रही है, कुछ अपॉर्चुनिटी है जो ग्रैब करने के लिए बोला जा रहा है, इज़ वेरी क्विक, राइट। देखते हैं हॉर्स पावर का मतलब बहुत पावरफुल कोई मैस्कुलिन एनर्जी की यहाँ पर एंट्री हो सकती है, देखते हैं, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, ओके। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर क्लब, यहाँ पर आपको थोड़ी डिप्रेशन एंग्जाइटी के इशू यहाँ पर दे रही है, कुछ चीज़ें हैं, खासकर करियर वर्क फील्ड में भी केयरफुल, यहाँ पर आपकी अगेंस्ट में जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर रहा है, समथिंग मतलब कुछ अगेंस्ट योर विल जो आप नहीं चाहते हैं, और फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं आपकी मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करना चाहते हैं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, आइदर फैमिली मेम्बर्स के बीच है या फिर आपकी कैरियर वर्क फील्ड में, ओके। थोड़ी ये बैकग्राउंड में चलता हुआ एनर्जी आ रही है, सो वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज एंड लेटर, तो यहाँ पर दूर से कुछ लेटर पैकेज कुछ कम्युनिकेशन यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी और विंड फॉल, ये बात मैं आपको मतलब अगेन एंड अगेन बोल रही थी कि फुल मून में कुछ अपॉर्चुनिटी कुछ विंड फॉल है,
सो ग्रैब इट. नेक्स्ट ओके, एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू. मतलब इमोशनली आप फुलफिल होने जा रहे हैं. नेस्ट फॉर्म करना मतलब घर फॉर्म करना, बच्चे पति हो हस्बैंड हो फैमिली एक्सटेंड करना हो. नेस्ट का मतलब बहुत पॉजिटिव है, मतलब घर बनाना. बट यहाँ पर ग्रेट वरी ओवर नथिंग, बट आप लैक को देख रही है, जो नहीं है उस चीज़ के लिए आप यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. यू आर द ऑब्स्ट्रगल क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, लैडर का एनर्जी आ रही है. ओके लेट्स सी, एंड दैट्स व्हाई द तिवज, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना. लव हियर, देखिए ये एस्ट्रल हाउस से कार्ड आई है, सो ये बहुत मेजर है ना, जैसे मेजर अर्काना होती है टैरो में. लव कार्ड है यहाँ पर रिलेशनशिप रिगार्डिंग मंथ अक्टूबर, जैसे मैं बोल रही थी ऑटम सीजन. एंड फ्लावर वर्स, दिस इज सीक्रेट एडमायरर, यू आर और समवन आपकी सीक्रेट एडमायरर हैं. मंथ नवंबर, अक्टूबर नवंबर, देखिए एक चीज़ हो सकती है, ऑटम सीजन आई है एंड विंटर की शुरू, ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. या फिर अक्टूबर नवंबर 2023 या फिर 2022 का कोई अक्टूबर नवंबर कोई इंसिडेंट फुल मून टाइम फ्रेम में होने जा रही है, उसका रिजल्ट आपको मिलने जा रही है. जस्ट फॉर एग्जांपल अभी आपको एग्ज़ाम दे रही है, उसका रिजल्ट निकल कर आएगी अक्टूबर नवंबर में. ऐसी कोई कनेक्शन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रही है. वैसे मैं बोल रही थी फुल मून स्कॉर्पियो में होने जा रही है एंड नवंबर का मंथ जो है स्कॉर्पियो सीजन है. ओ माय गॉड, दिस इज़ अगेन हॉर्स, सो आपका थीम ही है हॉर्स ग्रुप नंबर टू, शॉर्ट जर्नी. एंड आपने जर्नी कार्ड भी चूज़ की है, जर्नी ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे फुल मून की वजह से ट्रैवल है, राइट, रिलोकेशन ट्रैवल जर्नी. एंड एरो फाइनल मैसेजेस, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. एक कीप गोइंग वाला एनर्जी है कि तुम ठीक हो, मतलब तुम जो कर रही हो एकदम ऑन द ट्रैक हो, आगे बढ़ो. मतलब स्प्रिट की ओर से आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, जैसे वो बोलना चाहते हैं जो भी चल रही है तुम्हारी लाइफ में, जो डिसीजन तुमने लिया है, कीप गोइंग, आगे बढ़ो, ठीक है. अब मैं देखूंगी यहाँ पर सेवन कार्ड टैरो स्प्रेड. ओके ग्रुप नंबर टू देखते हैं. एंड दिस फुल मून इज पिंक फुल मून. ओके, एंड आपके लिए यहाँ पर वो एनर्जी भी है, रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स भी है. देखते हैं सेवन कार्ड स्प्रेड फुल मून, सेवन कार्ड स्प्रेड फॉर ग्रुप नंबर टू 23rd April 2024. वन टाइम मून, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, नंबर सेवन, फुल मून स्प्रेड. मास्टर कार्ड में है एट ऑफ पेंटेकल्स. यहाँ पर ना एक बहुत स्वीट एक रिलेशनशिप है. यहाँ पर एक नानी है, यहाँ पर ग्रैंड मदर है, छोटा सा एक बच्चा है. सो जैसे एक ग्रैंडमा जो है उसको वो प्रोसेस कर रही है कि पॉटरी के काम, जैसे वो नेक्स्ट जनरेशन को दे रहा है, मतलब वो जो नॉलेज है यहाँ पर, राइट. यहाँ पर कुछ पास हो रही है, जैसे मतलब कोई एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज विस्टम पास हो रही है, राइट. देखते हैं, दिस इज़ योर एट ऑफ पेंटेकल्स. जब मास्टर कार्ड में आई है मतलब एफर्ट्स, काम, कर्म की बात हो रही है यहाँ पर. देखते हैं ग्रुप नंबर टू आपके लिए. फर्स्ट जो कार्ड है वो है क्या आपको रिलीज़ करना है. ये जो नंबर वन यहाँ पर स्प्रेड है, नंबर वन में है रिलीज़ क्या करना है आपको. सो थिंग्स यू शुड बी लेटिंग गो ऑफ इन योर लाइफ, राइट. सेवन ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ शॉर्ट चीटिंग है. सेवन ऑफ शॉर्ट्स को देखिए, यहाँ पर एक बटरफ्लाई छुप रहा है, यहाँ पर पूरी तरह से वो बाहर नहीं आ रही है. तो आइदर आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा है या फिर आप किसी के साथ चीट कर रहे हो, हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हो. डोंट डू दिस, ये चीज़ें इस फुल मून में जैसे बोला जा रही है, डोंट डू दिस. दिस ये चीज़ को आपको रिलीज़ करना है. सेवन ऑफ शॉर्ट्स का मतलब ऐसे लोगों के साथ आप डील ना करें जो डिसेप्टिव है. ऐसी आपकी एनर्जी नहीं होना चाहिए कि लोग आपको डिसेप्टिव देखें, लोग आपको ट्रस्ट ना कर पाए. सो इस टाइप की जो एनर्जी होती है ना, कि कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे नहीं हैं बट लोग आपको समझ बैठ रही है क्यों ऐसा हो रही है, कौन सी वो बिहेवियर है, तो वो शैडो को यहाँ पर देखना ज़रूरी है. बट सेवन ऑफ शॉर्ट्स का मतलब तुम जैसे हो, इट लाइक पूरी बटरफ्लाई सामने दिखना चाहिए. कोई छुपड़ोस्तम वाला एनर्जी यहाँ पर नहीं हो सकता. ओके, सो देखते हैं यहाँ पर रिटर्निंग की क्या एनर्जी आ रही है, मतलब क्या वो चीज़ है. थिंग्स यू शुड बी होल्डिंग क्लोज टू यू, दिस इज थ्री ऑफ शॉर्ट्स,
देखिए ये कार्ड रिटर्निंग की एनर्जी में आई है, ओके। इसका मतलब है थ्री ऑफ शॉर्ट्स का मतलब हीलिंग होती है, बट थ्री ऑफ शॉर्ट्स में एक बहुत बड़ी लेसन होती है। आप देखेंगे पर्टिकुलरली कोई घटना आपकी लाइफ में हुई है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट हुई है, आपको उससे बहुत बड़ी सीख मिलती है, लेसन मिलती है, एंड आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप बहुत सारी आपकी डेली रूटीन हो, बहुत सारी चीज़ों पर आप काट छाट करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है उस लेसन को छोड़ो मत। इंसिडेंट चाहे जो भी हो, तुम उस लेसन को ले जो ली हो उसको कीप गोइंग, उसको आगे लेकर जाओ। ये आपको पकड़ के रखना है, जो चीज़ हुई है उसको भूलना नहीं है, उससे आपको लेसन लेना है, उसको दोबारा दोहराना नहीं है, उसको रिपीट नहीं करना है, ओके। लेट्स सी, नंबर थ्री में है रिसीविंग, क्या आप रिसीव करने जा रही हूँ। मुझे एक इस फुल मून टाइम फ्रेम में एक हॉस्पिटल दिखाई दे रही है, राइट, जहाँ पर टेन ऑफ शॉर्ट्स कम्प्लीशन हो रही है। आपकी लाइफ में जो अब तक की जो स्ट्रगल रही है, एंड बिकॉज इस कार्ड में जैसे कोई मौनता पालन करी है, कोई यू नो चुपचाप यहाँ पर साइलेंट, एक सन्नाटा सा है चारों तरफ। यहाँ पर हॉस्पिटल के रूम है जहाँ पर बहुत चिल्लाया नहीं जा सकता, नॉइस क्रिएट नहीं कर सकते हम, तो यहाँ पर एक शांति है। अल्टीमेटली वो चैप्टर क्लोज हुई, फिनिश हुई, तो आपकी लाइफ की स्ट्रगल यहाँ पर ख़त्म हो रही। टेन ऑफ शॉर्ट्स का मतलब टेन का पोर्टल आई है, इट्स लाइक ए कम्प्लीशन फॉर यू, फाइनल, टाटा बाय बाय, राइट। वो स्ट्रगल को मैं कभी कभी कहती हूँ कि कोटा होती है हर प्लैनेट का, अगर वो प्लैनेट आपकी कुंडली में खराब है, तो मुझे लग रही है वो कोटा आपके यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ओके। लेट्स सी, देखते हैं नंबर फोर, क्या सराउंडिंग की एनर्जी है जो आपको सपोर्ट कर सकती है। वेलोसिटी ऑफ ईयर, आपका अर्न अगेन द हॉर्स ईयर, आई डोंट नो ग्रुप नंबर टू इतनी हॉर्स की एनर्जी क्यों आ रही है। आइदर आप हॉर्स ईयर में जन्म ली है, या फिर ऐसा कोई पर्सन आ रही है जो शायद हॉर्स ईयर में जन्म हुई है, या फिर हॉर्स के साथ कुछ कनेक्शन है उसका, जैसे मान लीजिए अश्वनी हो, या फिर वो पर्सन बहुत मास्कुलिन है, हॉर्स राइडिंग वगैरह जानते हैं, इस टाइप की कुछ यहाँ पर मसला तो ज़रूर है, मतलब बहुत रिपीट हो रही है हॉर्स, ओके। वेलोसिटी ऑफ ईयर की अगर बात किया जाए, दिस इज़ एक्चुअली एक ईयर एलिमेंट आ रही है, सो सराउंडिंग में जैसे बोला जा रही है कि यू नो एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आप भी तैयार हो जाइए, आपको एक्टिव होने के लिए बोला जा रही है। सो डोंट बी स्लीपी लेजी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी विंडफॉल आ रही है, सो गेट रेडी फॉर दिस, ओके। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए गिविंग, देखते हैं मतलब क्या आप दे सकते हैं दूसरों को इस फुल मून के साथ। फाइव ऑफ वाटर, देखिए फाइव ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, जैसे पानी बाहर नहीं जा रही है, राइट, मतलब इमोशन रिलीज नहीं हो पा रही है, इमोशन एक जगह पर डीप रूटेड हो चुके हैं। इसका मतलब ये आपको गिविंग, मतलब आपकी फुल मून एनर्जी में ये जो कार्ड है ये देने के लिए बोला जा रही है। व्हाट यू शुड बी गिविंग टू अदर्स, क्या आप दे सकते वह इमोशंस, ये आप दे सकते हैं। सामने वाला कोई तकलीफ में है, आपके पास आकर रो रही है, सो आप उनको हील कर सकते हैं, उनको कंसोलेशन दे सकते हैं। दिस इज़ मेनली क्योंकि यहाँ पर वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम चल रही है, मतलब पानी यहाँ पर पास नहीं हो रही है, जम रही है एक जगह पर। सो ये बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय काल के लिए, बट पीछे टू ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है, तो आप उनको आइदर टू ऑफ कप्स दे या फिर उनको वो इमोशन। टू ऑफ कप्स का मतलब एक सोलमेट का एनर्जी, ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम कोई बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होकर आपके पास आए, कोई बहुत इमोशनल आपके साथ हो जाए, तो आपको भी वो इमोशंस के साथ, उनके साथ कनेक्ट करना है उस इमोशंस के साथ, क्योंकि ये गिविंग एनर्जी में आई है, ओके। लेट्स सी, क्या बिगिनिंग एनर्जी है, मतलब क्या स्टार्ट होने जा रही है। टेन टेन पोर्टल आई है आपकी लाइफ में, लुक एट दिस टेन ऑफ ईयर्स, टेन ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस टेन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपको एक बर्डन को एकदम फेंक रही हो, मतलब लंबी टाइम से चली आई कोई बर्डन को एकदम झाड़ कर फेंकना, जिसको हम कहते हैं दिस टेन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे एक घोड़ा, अगेन दिस हॉर्स, माय गॉडनेस, ग्रुप नंबर टू, एक हॉर्स बहुत टाइम से कुछ लगेज कैरी कर रहा है अननेसेसरली, ये लगेज को आप फेंक रही हो, फाइनल वो कंक्लूशन पीरियड आपकी लाइफ में आने जा रही है। मुझे लग रहा है टेन टेन पोर्टल जब आ रही है, मंथ अक्टूबर भी आपकी आई थी, राइट, अक्टूबर नवंबर टाइम फ्रेम भी आपके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर किसी मान लीजिए आपका बर्थडे हो, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट अक्टूबर नवंबर में हुई है, अगेन अक्टूबर नवंबर ही मुझे ऑटम सीजन विल भी इंपॉर्टेंट, मेनली स्कॉर्पियो सीजन, एंड टेन टेन का एनर्जी आ रही है, टेन महीना, राइट। हो सकता है पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट हुई है, उससे टेंथ मंथ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड ये फुल मून टाइम फ्रेम में ही आ रही है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग आ गई आपका, आई डोंट नो, ग्रुप वन की रीडिंग बहुत लुसी लैंग्वेज में मैं कर पाई थी, बट ग्रुप टू की एनर्जी मुझे इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों नज़र आ रही है। लेट मी चेक आपकी क्या लेसन आ रही है। फाइव ऑफ वॉन्ट्स, इन एंड यंग, लुक एट दिस, जैसे दोनों झगड़ रही है, बट दोनों ही इन एंड यंग है, राइट, एक दिस इज़ द यंग पोर्शन एंड दिस इज़ द इन पोर्शन। सो फाइव ऑफ वॉन्ट्स इस डेक में एक अजीब सा एनर्जी होल्ड करते हैं, मतलब दोनों ही कोल्ड वायर में हैं,
बट ये बोला जा रही है क्या लेसन आप लर्न करी हो विद दिस फुल मून। फाइव ऑफ वॉन्ड्स में बहुत फुलिश एक्टिविटी है, बहुत चाइल्डिश एक्टिविटीज़ है, एंड यहाँ पर आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है सेवन ऑफ शोर्स। सो यहाँ पर बहुत मैच्योरिटी के साथ किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए बोला जा रही है। इस टाइप की एनर्जी में, एनर्जी बेकार में वेस्ट हो रही है फाइव ऑफ वॉन्ड्स में, बिकॉज ये जो लड़ाई है इसका कोई मतलब नहीं, कोई कंक्लूशन नहीं आ रही है। एंड आपको एट ऑफ आर्थ, आपको एफर्ट्स ऐसे लगाना है कि कोई कंक्लूशन निकल कर आए, बिकॉज आपका थीम बहुत पॉजिटिव आई है। एंड चारों तरफ मुझे हॉर्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर है, यहाँ तो दो तीन कार्ड में आई है, यहाँ पर भी हॉर्स एनर्जी है। एंड हॉर्स मीन्स पावर, लीडरशिप क्वालिटी, कि खुद आगे आकर कुछ काम को निपटाओ, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि वो कर देगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं मून का क्या यहाँ पर गाइडेंस है। ओके ग्रुप नंबर टू फुल मून, फन टाइम मून, टॉक लेस फील मोर, पाइसेस माय फिशेस। ओके फीलिंग्स को इम्पोर्टेंट दो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकली कोई चीज़ों को समझने की कोशिश मत करो, फीलिंग्स को इम्पोर्टेंट दो। अगर वो ऑथेंटिक इमोशंस है टेक एक्शन, बिकॉज आपकी सराउंडिंग में भी हॉर्स पावर आई है। ओके ओके टू सी द बिगर पिक्चर फुल मून इन सजिटेरियस। ओह दिस सच सैच, गुरु की एनर्जी आ रही है, एंड आपकी यहाँ पर कार्ड में भी नंबर थ्री एनर्जी है। सी द बिगर पिक्चर का मतलब लॉन्ग टर्म में आप डिसीजन लेने का टाइम है। एंड दोनों ही पाइसिस जुपिटर दोनों ही तो गुरु है, मतलब जुपिटर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड जुपिटर का ट्रांजिशन जो हो रही है टॉरस में, एंड यहाँ पर एक्टिवेशन होगी स्कॉर्पियो हाउस का, ये आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म में कुछ चीज़ें देने जा रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक न्यू मून इन लियो, शाइन, इट्स योर टाइम, एंड अनलेस योर काइंडेस सेल्फ, यू आर वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी हम्बल, वेरी केयरिंग पर्सन, उसको अनलेस करो, सामने वालों को वो दिखना चाहिए। एंड दिस इज द शाइन कार्ड, दिस इज योर टाइम टू शाइन। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर टू, मैं तो नेक्स्ट रीडिंग में, वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर थ्री, चलिए देखते हैं आपके बर्थ मंथ, अगर मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर है, फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 23 अप्रैल को होगी स्कॉर्पियो राशि में। डॉग कार्ड आपने चूज़ की है, इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ ना मुझे फॉलोअर की एनर्जी आती है, यू नो जैसे वेयरएवर यू गो ए डॉग आपको फॉलो कर रहा है बड़े प्यार से। एंड बिकॉज डॉग से हम फ्रेंडशिप देखते हैं, लॉयल्टी देखते हैं, ट्रस्टवर्दी एक पर्सनैलिटी देखते हैं जो बहुत ओबीडियंट है, जिस पर आंख बंद कर हम भरोसा कर सकते हैं, है ना। पेट की भी एनर्जी हो सकती है, आपके घर में पेट है, आप पेट लेना चाहते हैं, आप अपनी डॉग को बहुत मिस करते हैं, अगर पहले डॉग थे आपके, यू नो पेट थे, कोई भी हो सकती है, कैट भी हो सकती है, बट मैं इस कार्ड को देखते हैं, एक समवन, दिस इज समवन जो वेट कर रहा है किसी चीज़ के लिए कि आप यस बोल दो, यू नो आई डोंट नो, देखते हैं क्या थीम आ रही है। एंड स्कॉर्पियो में होने जा रही जो एट्थ हाउस है, एंड मे से 2024 मे से यही गुरु टॉरस में आएंगे तो स्कॉर्पियो एक्टिवेशन स्टार्ट हो गई, देखते हैं। तो स्कॉर्पियो राशि एंड कहाँ बनी है आपकी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली से देखिए, उस जगह पर बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर आने जा रही है। ग्रुप नंबर थ्री, थीम फुल मून, ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर थ्री, थोड़ी थीम देख लेती हूँ, दिन में सेवन कार्ड टैरो स्प्रेड करूँगी यहाँ पर। ग्रुप नंबर थ्री फुल मून थीम, फुल मून थीम, माय गॉडनेस, ओके इंक पॉट, ओके दिस इज योर टी लीफ डायरेक्ट मैसेज, थोड़ी देखते हैं रून सिंबल से। नंबर थ्री फुल मून 23 अप्रैल, क्या थीम है, वन टाइम मून, ओ वाव, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बड़कानु बर्थ रैबिट प्रोडक्टिविटी, यू नो एम्प्रेस की एनर्जी के रूप में हम इसको देखते हैं बड़कनों को, मतलब प्रेगनेंसी हो सकती है, गुड न्यूज़ हो सकती है, बर्थ होना, गिफ्ट आना, न्यूज़ आना, जो आप मतलब बहुत ही पॉजिटिव बड़कनों, एक ऐसा एनर्जी है, ब्रेक थ्रू आप मान सकते हैं बड़कनों से, कंसेप्शन है, बर्थ है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स हो सकती है, बट इट्स द रैबिट राइट, इट्स एम्प्रेस। ओके
देखते हैं, तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। थोड़ी देखते हैं क्या डायरेक्ट मैसेज है। एक मंथ कार्ड आई है सितंबर, ओके सितंबर आपका बर्थ मंथ भी है। देखते हैं मंथ सितंबर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है फुल मून टाइम फ्रेम में कोई इंसिडेंट हो जो सितंबर तक कनेक्ट करे, ऑटम सीजन तक कनेक्ट करे। वल्चर एनर्जी, वल्चर में थोड़ी डिप्रेशन है, बट अगेन वल्चर शमशान घाट में हम देखते हैं, राइट। तो जहाँ पर शरीर मिट रही है पांच तत्वों में, वल्चर उस जगह पर काम करते हैं, उससे उसका काम है। तो अगेन एट्थ हाउस एक्टिवेशन है, मतलब आप किसी चीज़ से बाहर आ रही है। लिबरेशन का एनर्जी, थोड़ी डिप्रेशन का प्रॉब्लम शायद यहाँ पर चलेंगे आपको। ओके बर्ड्स फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई न्यूज़ वगैरह हो सकते हैं आपके लिए। ये रिलोकेशन हो सकती है वल्चर, जैसे पुराने घर छोड़कर दूसरे घर पे जाना। ओके पिक, बी अवेयर ऑफ ग्रेट, जो भी है जितना है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि मेरे पास वो है, मैं कर सकती हूँ, तो ये मैं पर अटक ना जाए, क्योंकि मैं कर सकती हूँ ठीक है, बट मैं ही कर सकती हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये अहंकार है। ओके बूट एनर्जी, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, कुछ चीज़ें चाहिए तो और एफर्ट्स की ज़रूरत है, राइट। बूट एनर्जी, सैटर्न का एनर्जी आ रही, थ्रोन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, तो शायद कोई IAS IPS ऑफिसर की आप एग्ज़ाम की तैयारी करें कोई पर्टिकुलर, क्योंकि उसके बाद ही थ्रोन कार्ड आई है, सो आप चीयर के लिए बने हैं, राइट। सो पोजिशन ऑफ अथॉरिटी अगर चाहिए तो यहाँ पर और एफर्ट्स की ज़रूरत है, बट थ्रोन आपकी है माय डियर। ओ माय गॉड, दिस इज़ गुड फॉर्चून, लुक एट दिस बिटवीन, मैं आपको बोल रही थी बड़कानो, ये एग्जैक्टली वही मैसेज दे रही थी। एंड दिस इज स्क्राइब, ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ बर्थ कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड और एंटरप्राइज, कैन यू सी दिस कार्ड, इज एग्जैक्टली द बड़कानो हियर। मैं बोल रही थी, मतलब देखिए सबकी प्रेगनेंसी का न्यूज़ नहीं होगी यहाँ पर, बर्थ का मतलब आपका नया जन्म हो रही है, दैट्स द वल्चर, एक पुरानी सेल्फ को छोड़कर एक दूसरे एक वर्षन आना, लाइफ में नई कुछ हो रही है। पर मुझे थोड़ी यहाँ पर वाइब से आपकी लाइफ में किसी का कदम है, कोई कदम ले रहा है, यू नो जैसे पैर रख रहा है आपके जीवन में, तो इस टाइप की चीज़ें भी कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है, बिकॉज बहुत बर्थ गुड फॉर्चून का एनर्जी आ रही है। ओके यहाँ पर मैं देखूंगी 7 कार्ड स्प्रेड, ओके ग्रुप नंबर 3, 7 कार्ड फुल मून टैरो स्प्रेड देखते हैं वन टाइम, थैंक यू। नंबर 1 कार्ड, नंबर 2 कार्ड, नंबर 3 कार्ड, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7, दिस इज फुल मून स्प्रेड। बॉटम ऑफ द डेक बैलेंस, 10 का पोर्टल भी यहाँ पर नज़र आ रही है, कोई कैवस कंफ्लिक्ट सिचुएशन जस्टिस से जुड़ी, लीगल इशू से जुड़ी, वो यहाँ पर रिजॉल्व होने जा रही है, उसके नीचे बैलेंस कार्ड है। ओके देखते हैं फर्स्ट आपके लिए नंबर 1 जो है स्पून मून में रिलीज़ क्या करना है आपको, लाइफ गिवर एनर्जी। देखिए यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है, आप हो सकते हैं इमोशनली बहुत बैलेंस नहीं है, आप हो सकते हैं मदर के साथ आपका कुछ कैवस कंफ्लिक्ट सिचुएशन चल रही है, आपको बोला जा रही है उस मदर के साथ रिलेशनशिप को ठीक करो, अगर सच में कोई इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी चल रही है, या फिर आपकी खुद के इमोशन, बिकॉज ये एम्प्रेस कार्ड है एंड यही वो एनर्जी है जो रिलीज कार्ड में आई है, तो ये एक्सेस इमोशंस, अननेसेसरी एक्सेस इमोशन जो डीप रूटेड हो चुकी है, आपको उसको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रही है। कभी कभी क्या होती है, जब इम्प्रेस कार्ड आए तो आप देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी शॉपिंग कर रही है आप, जो चीज़ सामान की ज़रूरत भी नहीं है आप वो भी उठा रही है, क्योंकि वेनस एनर्जी है ना, तो ये एक्सेस वेनस जब हो जाती है, ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है, सेक्सुअल से जुड़ी हो सकती है, कुछ भी वेनस एलिमेंट जो एक्सेस हो जाए आप उसको दे सकते हैं दूसरे पर्सन को, बट आपको रिलीज़ करना है उसको, बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना करें एक्सेस इमोशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अपनी कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा गैदर करना, सेल चल रहा है मतलब अगेन एंड अगेन, इस जगह पर आपको थोड़ी ध्यान देना है। ओके देखते हैं आपके लिए क्या रिटर्निंग एनर्जी आ रही है। ओ माय गॉड, दिस फोर ऑफ अर्थ, थिंग्स यू शुड बी होल्डिंग क्लोज टू यू, देखिए जो चीज़ से आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको मजबूरी में बोला जा रहा है तुम्हें कंफर्टेबल होना है, डोंट डू दिस। आप नंबर 4 जब आई है, 4 फॉर स्टेबिलिटी है, 4 स्ट्रक्चर है, 4 बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है, सो आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें आपको सर्व करते हैं उसको होल्ड करो, बाकी चीज़ों को टाटा बाय बाय जाने दो। जो चीज़ से आप कंफर्टेबल नहीं है, दूसरी एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र, देखिए इसके एक ओबेसिटी का प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है,
आपको बोला जा रही है कि एक जगह पर सीट पर बैठे मत रहो, थोड़ी फ्री हैंड एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, रिटेनिंग की एनर्जी में जब फोर ऑफ पेंटेकल्स आए, एक चीज़ बोला जाता है कि आप फ्लेक्सिबल डेफिनेटली रहेंगे, बट एक मर्यादा होगी, एक मात्रा होगी। आप फ्लेक्सिबल है इसका मतलब कोई भी आपकी एडवांटेज लेकर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, लेट्स सी नंबर थ्री में आपकी रिसीविंग एनर्जी क्या आ रही है। चैरियट, आप रिसीव करने जा रहे हैं बहुत बड़ी कोई बुके, कोई ट्रैवल, कोई रिलोकेशन आप रिसीव करी हो, एक सुंदर सा एक जगह, हील एरिया हो सकता है, बहुत जल्दी आप विजिट करें। हील एरिया मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, उसका कोई प्लानिंग वगैरह चल रही है, वैकेशन वगैरह हो सकते, टू ट्रिप प्लान करना। बट चैरियट जब भी आ रही है, रिसीव करने जा रही है आप गति को, मोमेंटम को, आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई है उस जगह की मोमेंटम को आप रिसीव कर रही है। नाउ एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। चैरियट फोर्थ हाउस की एनर्जी भी है, घर डेकोरेशन वगैरह हो सकती है, घर के सामान वगैरह खरीदना हो सकता है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं नंबर फोर, सराउंडिंग क्या सपोर्ट कर रहा है आपको। एस ऑफ शॉर्ट्स, एकदम से एकदम निशाना पे है माय डियर, मतलब सभी ब्लॉकेजेस को आप रिमूव करेंगे। देखिए, दिस इज द सराउंडिंग यार्ड एलिमेंट आई है, सराउंडिंग मतलब एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम अगेन एंड वेरी पैराडाइम शिफ्ट वाला एनर्जी है, क्लैरिटी के साथ। मतलब आप कभी कभी क्या होता है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप घर खरीदी है दूसरी जगह पर आप नहीं जा रही है, तो अब ऐसा एक सिचुएशन अराइज हो जाएगा, यू विल बी कंपेल्ड टू गो देयर एंड जाने से शायद आपका फॉर्चून निकल कर आएगा। सो यहाँ पर वो उस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। नंबर फाइव में देखते देना क्या है आपको, यू नो गिविंग मोड में, सोवरेनिटी ऑफ अर्थ। देखिए, ये मनी रिसोर्सेज की एनर्जी है, बट सभी कहेंगे कि मेरे पास तो मनी नहीं है, मैं कैसे यहाँ पर शेयर करूँ। वॉट एवर यू हैव एक्सेस, वो शेयर करने के लिए बोला जा रहा है, जो यहाँ पर भी वो मैसेज आई। देखिए, दिस इज़ अ किंग ऑफ पेंटेकल्स एनर्जी एंड किंग ऑफ पेंटेकल्स जब शेयरिंग मोड पर आती है, इसका मतलब आप लोगों को ग्राउंड होने में मदद करें, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रही है, या फिर ऐसा कोई सलाह परामर्श दे रही है सामने वाला, वो हील हो रही है या फिर स्टेबल हो रही है। एंड खासकर देखिए, आप कुछ भी कर पाए या ना पाए, अच्छी शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आपको मनी देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा जजमेंट क्रिएट ना करें सामने वाला हर्ट हो जाए। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या सिखाता है, आपको सूझबूझ के साथ काम करना। तो आप ये दूसरी पर्सन को चैनल कर सकते हैं एग्जैक्ट मैसेज कि तुम थोड़ी धैर्य रखो, सब ठीक होगी, बस इतना तो बोल ही सकते। कोई बाहर आ रही है सज सवर के, आप बोली बहुत सुंदर लग रही हो तुम दिखने में, सिर्फ मुंह की बात है। ओके, नंबर सिक्स, बिगनिंग, आने वाले समय काल में मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही माय डियर, बहुत इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी कोई रकम आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बैंक बैलेंस तो जा रहा है, बट बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट होगी। आपकी विक्टिम मेंटालिटी जो है वो रिलीज होने जा रही है आने वाले समय काल में। ओके, देखते हैं नंबर सेवन, क्या लेसन है आपके लिए इस फुल मून के दौरान। दिस इज एस ऑफ पेंटेकल्स। देखिए, चाहे स्प्रेड ही क्यों ना हो, दो दो एसेस का एनर्जी मौजूद है, लेसन में आई है, बट यू शुड बी लर्निंग एट दिस पॉइंट। एस ऑफ पेंटेकल्स, जो सीड लगाएंगे उसी का ही वृक्ष आएगा, यही सबसे बड़ी लेसन है आपके लिए। आप सीड क्या लगा रही है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कैसा सीड लगा रही है, किस तरह से उस सीड का टेक केयर कर रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस खोल कर रखा है बट आपको लग रहा है बिजनेस चल नहीं रहा, तो आपको बोला जा रहा है क्यों नहीं चल रही है, उस रूट को देखो। एस ऑफ पेंटेकल्स जब लेसन में आते हैं, इसका मतलब आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपनी एनर्जी को आप ग्राउंड करें, पहले अपना एनर्जी को ग्राउंड करें। एंड एस ऑफ पेंटेकल्स जब भी आते हैं, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आने वाले समय काल में आ रही है, दायित्व आ रही है, साथ में मनी भी आ रही है। इसके लिए आज आप एक बात बताया जाता है कि जो बॉस बनेगा वो अगर लेबर के साथ काम नहीं करता है, तो आने वाले समय काल में वो किंग नहीं बन सकता। तो मुझे लग रही है आप एकदम बेस लेवल पर काम सीख रही है किसी चीज़ को, एंड वन डे यू विल बी बॉस, दैट इज़ योर डेस्टिनी। ग्रुप नंबर थ्री, अभी बेस लेवल पे काम चल रहा है आपका, ठीक है। एंड यहाँ पर बैलेंस एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एक एनर्जी आई है, जस्टिस के साथ सैटर्न एनर्जी आई है, कुछ कैवस रिजॉल्व होने जा रहे, पास्ट इशू। लेट्स सी ग्रुप नंबर थ्री, क्या गाइडेंस थी। रिलीज योर ब्लॉक्स। कभी कभी हम ही अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल बन जाते हैं, एंड अगेन द स्कॉर्पियो एनर्जी, फर्स्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो, कुछ फियर हो जाते हैं, जैसे इंटीमेसी इशू हो, मैरिज फियर हो, किसी को ट्रस्ट में बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाती, वो एक फियर बन जाता है, डीप रूटेड कुछ फियर से आपका, उसको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रही है। ओके, वन टाइम मोर, ब्रीथ थ्रू द टेंशन। मैं मुझे लग रही थी स्कॉर्पियो एनर्जी आप पर बहुत हावी है ग्रुप नंबर, एंड फुल मून स्कॉर्पियो, लुक एट दिस,
ब्रीथ थ्रू द टेंशन, जैसे कुछ टेंशन का माहौल है, यू नो बहुत टेंशन है, जैसे जल्दी जल्दी कुछ काम को करना है, बिकॉज वो होता ना कि पूछ में किसी ने आग लगाई है, तो इतना स्कॉर्पियो हावी टाइप एनर्जी आ गया। दो दो स्कॉर्पियो बैक टू बैक कार्ड आई है। सो आपको यार्ड एलिमेंट बॉडी में बैलेंस करे, ग्रुप नंबर 3 एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज़ योर टाइम टू शाइन एंड अट्यून टू द डिवाइन। लुक एट दिस, दिस इज़ न्यू मून पाइसिस। तो आने वाले जो मून फुल मून के बाद न्यू मून आएगा वो इंपॉर्टेंट है, बट अट्यून टू द डिवाइन का मतलब स्प्रिट का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। एंड लियो एनर्जी आ रही है, इट्स योर टाइम टू शाइन एंड बॉटम ऑफ द डेक, टेक रियलिटी चेक। कुछ चीज़ को बहुत केयरफुली हैंडल करना है, फुल मून एंड कैप्रिकॉर्न, मतलब आप इमोशंस में खोना नहीं है, अब आपको प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन लेने का टाइम आ चुके हैं। अब और स्टेबननेस नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन अब लेने जा रही लॉन्ग टर्म के लिए। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं तो नेक्स्ट रीडिंग में, वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।